शकुनी चौधरी द इंटरनेशनल स्कूल पार्वती नगर तारापुर परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी सह खान पान स्टॉल का आयोजन विद्यालय प्रबंधक अमृता चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 5 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने विज्ञान पर आधारित सिद्धांतों को विभिन्न मॉडलों एवं प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदर्शित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी के द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड पंचायत प्रमुख अश्विनी राज उर्फ पिंकू मेहता भी मौजूद थे। प्रदर्शनी में बच्चों ने पालमपुर गांव, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाइड्रोलिक लिफ्ट, सोलर सिस्टम, जर्व वायु प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, स्मार्ट सिटी, मॉडर्न सिटी, स्वचालित रेड लाइट व सोलर एनर्जी, बांस की झोपड़ी, किडनी फंक्शन आदि मॉडल जहां प्रस्तुत किए। वहीं बच्चों ने प्रदर्शनी स्थल पर खाने पीने से संबंधित तरह तरह का स्टॉल लगाकर एक से बचकर एक लजीज व्यंजन का भी स्वाद अतिथियों को चखाया। बच्चों ने दार्जिलिंग मोमोज, मोमोज, पाव भाजी, वेज, नॉन वेज बिरयानी, पानीपुरी चाट, झालमुरी, चाय, कॉफी, बिस्कुट, लेज, कुरकुरे, मंचूरियन, फ्रेंच फ्राई आदि अपने अपने स्टॉल में बेचा। बच्चों के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर बिक रहे व्यंजन को अतिथियों ने तय राशि चुका कर लिया और जमकर खाया व तारीफ किया। विद्यालय के निदेशक अमृता चौधरी के द्वारा इस विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार स्मार्ट सिटी के लिए राजश्री ग्रुप, द्वितीय पुरस्कार पालमपुर विलेज दीप शिखा ग्रुप तो तृतीय पुरस्कार बुजवाइर गेम के आनंद ग्रुप को दिया गया। बच्चों के द्वारा पेश किए गए विभिन्न जीवंत एवं आकर्षक मॉडल को देख अतिथियों ने नन्हे वैज्ञानिक की भूरी भूरी प्रशंसा किया। मुख्य अतिथि शकुनी चौधरी ने कहा कि बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल से उनकी कल्पनाशीलता एवं जिज्ञासा की झलक दिखाई दी। मॉडलों का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि होनहार बच्चे आगे जाकर विज्ञान के क्षेत्र में तारापुर का नाम देश के मानस पटल पर नाम रोशन करेंगे। कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होने से बच्चों में तकनीकी ज्ञान बढ़ता है। वहीं स्टॉल लगाकर एक से एक लजीज व्यंजन बच्चों के द्वारा बेचे जाने पर कहा कि इस प्रकार के स्टॉल लगाने से बच्चों में व्यापार के प्रति रुझान बढ़ता है। विद्यालय के द्वारा ऐसे आयोजन किए जाने पर उन्हें बधाई दिया। मौके पर शकुनी चौधरी, बीएड कॉलेज के सचिव धर्मेंद्र चौधरी, प्रधानाचार्य राकेश रोशन, विभाग अध्यक्ष मोहम्मद सोहेल कमर, प्राध्यापक मनीष पाठक, प्रमोद कुमार पाठक, मणिकांत प्रताप, मोहम्मद तारिक सहित विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, शिक्षिका व अन्य सदस्य मौजूद थे। जैसे टच कर कोई बिना अगर आवाज़ किए इसको टच हो जाएगा तो यहाँ लाइट जल जाएगी। ये बैलेंसिंग गेम जो इसको क्रॉस करा सकता है मतलब वो इंजीनियर हो जाएगा। लाइट नहीं जा रहा तो बंद हो जाएगा। हटाओ हाथ।